उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बेटी जालौन का एक्सीडेंट हो गया। दरअसल इस हादसे में उनके बेटे योगेश बाल बचे। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार इस बात की जानकारी सामने आई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। इस हादसे के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और अपना रिएक्शन भी दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, माँ पीताम्बरा की असीम अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से उनका बेटा योगेश कुमार मौर्य पूरी तरह से ठीक है, डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त योगेश मौर्य की कार का हादसा हुआ, उस वक्त वो दतिया के पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर तुरंत बाद ही योगेश को दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया। दरअसल ये हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आलमपुर बाईपास के पास हुआ था। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।